तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं और हाजिर हैं अमन प्रभाकर और अमन प्रभाकर के कबूतर। तो अमन भाई जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। तो अमन भाई ये बताइए, जो अपने पास देसी कबूतर है जी, ये कौन कौन से कबूतर है अपने पास? अपने पास देखो फिलहाल अभी सिलेक्टेड बर्ड्स पड़े हैं, अभी यहाँ पे ज्यादा मेरे इस सेटअप पे नहीं है, मेरा एक दूसरा सेटअप भी है जी। मेरे वहाँ पे लगभग तकरीबन 15 करीब जोड़े रेडियो के वहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि हर चीज दिखाई नहीं जाती, बिल्कुल नजर मारने वाले मनुष्यों से बचना पड़ता है, तो थोड़ी सी चीजें हैं यहाँ पे जी। और अभी कल अगर आप आते तो कल आपको और भी बर्ड्स देखने को मिलते, तो डिलीवरी चली गई, सुबह निकल गई। तो बाकी जो है मेरे पास इस समय टेडी है, जामनी है और एक एक्सपेरिमेंट है वो भी दिखाएंगे आपको। बिल्कुल। उसी के अलावा साथ साथ में मेरे पास में क्या नाम है, डव वाली एक फीमेल मैंने मंगाई है, बहुत अच्छी फीमेल है, उसका शौक करवाएंगे। बिल्कुल। उसके अलावा आपको मैं जो देखने को मिलेगा हमारे पास में एक कलंच फीमेल भी मेरे पास में पड़ी हुई है, तो क्वालिटी दिखाएंगे रामपुरियों की भी, क्योंकि फिर लोग कह देंगे अमन भाई सारे पाकिस्तानी पाल लिया आपने, ये कर लिया वो कर लिया, इंडिया की कोई नस्ल आपके पास है ही नहीं आपके पास में। अच्छा अमन भाई एक बात, अपन नॉर्मल सी बात करते हैं, अपन के बीच की बात है कि मेरे पास प्योर देसी कबूतर है ज्यादा जी, जी। उस्ताद ने दो जोड़े दिए थे, बस वही बाहर वाले हैं जी जी, है ना, मेरे देसी कबूतर भी वही परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बाहर वाले भी वही परफॉर्मेंस कर रहे हैं जी 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 जी। तो बाहर वाले जो हैं एक्सपेंसिव भी ज्यादा है, बिल्कुल है ना, सिर्फ क्या खासियत है उनके अंदर बनिस्बत अपने देसी कबूतरों की, थोड़ी सी उनकी तरफ जाएं भाई। खासियत तो देखो क्या है, कुल मिला के अगर मैं बात बोलूं तो बात बुरी भी लगेगी किसी किसी को और अच्छी भी लगेगी जी, कि बाप तो बेटा बाप ही होता है और निकले तुम भी बाप में से ही हो, चाहे तुम्हारे कबूतर हो या चाहे तुम हो, ठीक है भाई जी, तो फैक्ट की बात है जी। तो और ये कोई मजाक नहीं है भाई, ये रियलिटी है कि देखो निकले तो वो भी हम में से ही है और अरे भाई हमारे कबूतर भी हम में से ही निकले हैं जी, पहले एक ही थे सब कुछ, अलग अलग नहीं था जी। आफ्टर पार्टीशन बहुत चीजें हुई, उस चीजों को याद नहीं कर सकते इस समय पे। और कबूतरों की बात करो देखो वहां के लोगों ने ना, वहां के कुछ उस्ताद, सबकी बात नहीं करूंगा, बाकी तो वेलड है वहां पे जी, चिड़ी मारी करने की जो बंदा टावर पे चढ़ सकता है ऊपर तक, तो लगा लो कितना वेला इंसान होगा जी। और कुछ लोग मैंने शौक देखा जो टावर के ऊपर धड़े बना रखे हैं, तो भाई सल्यूट है उनकी, लंबे लंबे चिड़ी मारी को, तीन दिन चार चार मंजिल के टावर है, ठीक है, तो चिड़ी मारी को सलाम है उनको, ये वो इतने ऊपर डेली चढ़ सकते हैं, मेरे को देख के चक्कर आ रहा है, ऊपर चढ़ता है डेली उसके ऊपर, तो वो थोड़ी सी देखो डिफरेंसेस है। लेकिन उन उस्तादों को सलाम है वहां के जिन्होंने तराशा, ब्लड हमारे यहीं का है सारा जी। हम नहीं बोल सकते कि हम बना पाएंगे, मुझे नहीं लगता जी, क्योंकि देखो हमारे इंडिया के अंदर हर व्यक्ति चाहे वो कहीं पे भी रहने वाला हो, इंडिया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा हर व्यक्ति अपनी बिजी लाइफ शेड्यूल में बिजी है जी, वो खाली नहीं है बिल्कुल, उनके पास थोड़ा समय ज्यादा है क्योंकि उनके पास थोड़ा सा काम का अभाव भी कह लो, या किसी किसी के पास में पैदाइशी जमीन ज्यादा है, या कोई मान लो बिल्कुल ही वेला है जी, तो अलग अलग चीजें होती हैं। उन्होंने एक समय दिया है एक ब्रीड को मेंटेन करने में, बच्चे निकलवाए, उनको उड़ाया, चेक किया, फिर उसमें कमी देखी, ये कमी है, फिर और नए पेयर लगाए, कमियां दूर करी, तो सालों में वो ब्लड लाइन तैयार हुई। हमारे जो देसी कबूतर हैं और जो उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बनाए अपने पाकिस्तानी कबूतर, खूबसूरती थोड़ी ज्यादा है, स्टैंडिंग थोड़ी सी परफेक्ट है, जिसे कहते हैं जस्ट लाइक ए बॉडी बिल्डर, एक बॉडी बिल्डर कैसा खड़ा होता है इस तरीके से, और जो नया नया बॉडी बिल्डर होता है वो खड़ा होता है ऐसे, उसका लगे कहते हैं गुटके यहाँ पे साइड में, अरे ढीला आदमी खड़ा होता है वो पेट निकाल के, तो हमारे वाले कह सकते हो कि स्टैंडिंग उतनी नहीं आती, लेकिन बाप तो बाप है, उनमें खूबसूरती थोड़ी ज्यादा है, थोड़े पतले कर दिए, थोड़े शॉर्ट बॉडी कर दिए, हमारे पहले कबूतर जो थे वो ये साइज के हुआ करते थे, और परफॉर्मेंस तो जब मेहनत पे आते हैं तो वो बराबर हो जाती है। और उड़ान देखो पहले इतनी उड़ान नहीं होती थी, पहले नॉर्मल एक प्यार का खेल होता था जी, इस तरह कॉम्पिटिशन नहीं था, लोगों ने अपनी कॉम्पिटिशन को बढ़ाते हुए अपनी ईगो पे लेते हुए उन कबूतरों को सही छोटे करे ताकि उनकी परवाज बढ़ जाए जी। जैसे कि सपोज है, आपको एग्जांपल दो, बहुत अच्छा सुन के आपको अच्छा लगेगा, पहले की मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2017 से पहले की जो मॉडल था जी, और जो 18 में मॉडल आया वो 1.5 क्विंटल हल्का है जी, वो हल्का क्यों किया गया ताकि एवरेज बढ़ जाए जी, तो उसी तरीके से कबूतरों के एवरेज बढ़ाने के लिए उनका साइज छोटा कर दिया, साइज और वजन भी हल्का ही हो, वजन हल्के हो गए, जब वजन घटा दिया तो अपने आप उड़ेगा, वो चीज है जी।
तो चलिए दोस्तों, आज आपको शो करवाएंगे अमन भाई के कुछ बाहरी मुल्क के परिंदों का। जी जी जरूर, तो आप शो कीजिए, मजे लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कुछ बोल दो यार, 3 लाख हो यार, कर लो यार, कर लो, बेशर्मी छोड़ दो, चिड़ी मारो, क्योंकि चिड़ी मार तो करेंगे नहीं, मेरे भाई है वो करेंगे बस। बिल्कुल। तो अमन भाई जी सर, हाथ में कौन सा परिंदा है भाई जी? सब दुनिया जानती है इसको, तो ये साइज देख लो, देखने में लगेगा आपको कबूतर है, लेकिन भाई जी ये हमारे इंडिया की मशहूर रामपुरी कलंच कबूतरियों में से है। चेक करें आप आंख की गहराई, एक बार चेक करें आंख के रिंग्स चेक करें, और साइज की बात करूं तो साइज इसका ओरिजिनल साइज है जी, जो इसका होना चाहिए। इसमें अभी तक कोई छेड़खानी नहीं करी गई, तभी ये आपके भाई के दड़बे में फिलहाल अभी एट प्रेजेंट है। ये छेड़खानी करने के बाद में कबूतर का मजा नहीं आता। परी ने प्रगटी है, परी ने अभी कुरीच में है, पर ला रही है अभी जी, ये देखिए ना इस साइड के पूरे बड़ी फीमेल है, ठीक है जी। और सिहा काली दुम जिसे प्रॉपर कलंच कहते हैं, बाकी बैठक दिखाता हूं आपको इसके में छोड़ करके, ये देखें आप बैठक बहुत अच्छी है कबूतरी की जी, ये देख सकते हैं। तो अब आप ये देखें, शुरुआत मैंने यहां से करी है आपको इसलिए ताकि कुछ भाइयों के जो है हमें पता है उड़ते हुए तीर है, तो वो कृपा उड़ते तीर शांत रखें आप। रामपुरी भी मौजूद, बिल्कुल रामपुरी, वो भी कलंच जी, रामपुर के अंदर सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज रामपुरी कलंच, चाहे एक है लेकिन है बस ये, और अभी तक ये खाली है, जब तक इसका पति नहीं मिलता ये खाली रहेगी, खाली रहेगी। मेरे पास लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं जी, ये मेरे पास एट प्रेजेंट पड़ी खाली है जी, कलंच कलपोती। चलिए और भी शो करते हैं दोस्तों, और आपको दिखाते हैं कैसी लगी ये कबूतरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली चीज आपके सामने जो है वो पेशे खिदमत है, बिजनौर के जामुनी कबूतर। ये बिजनौर की मशहूर नस्लों में से आते हैं, आज ये कुछ काफी कम घरों के ऊपर आपको मौजूद मिलेंगे, लेकिन जिनके पास हैं उनको इनकी अहमियत भी पता है और उनकी काबिलियत भी पता है कि ये कबूतर गर्मी और सर्दी में क्या कर सकते हैं। साइज देखें आप इसका, बहुत बड़ा है मेरे हाथ के अंदर, दुम लंबी है, दुम लंबी है, पंजे आप चेक करें बिल्कुल जामुनी पंजे हैं, खुश्क पंजों में से है, फिलहाल थोड़ा मौसम में मॉइस्चर है जी, जैसे ही बारिशें खत्म होगी तो पंजे इसके और ज्यादा खुश्क हो जाएंगे, बारिश हो रही थी जी जी। तो ये आप चेक करें इसकी बैठक, ये देख सकते हैं दोस्तों, अब आप साइज देख ले इसका, ये एक्चुअल साइज है जी, जो हमारे इंडिया के कबूतरों का होता है जी। और बात करूं इमरान भाई इसकी फीमेल की, तो इसकी फीमेल का शौक कराते हैं आपको, ये भी सेम ऐसी है, ये प्योर जामनी पेयर है, ये मोस्टली वाइट आइज में ही होता है जी, अब किसी भाई ने इसके अंदर क्रॉस कर दिया तो देखो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो प्योरिटी के अंदर होता है हल्की वाइट क्रीमी शाइड आइज है जी, ठीक है जी। ये देखिए दोस्तों आंख देखिए, और इसके पर और दिखाते हैं आपको, एक सेकंड यार चीटियां चिपक गई, चीटी आ रही है बहुत ज्यादा लॉफ्ट के अंदर, हाँ ये रही, ये देखिए इसके पर देखिए दोस्तों, पूरा पल्ला खोल के इसलिए दिखा रहे हैं कि आप पल्ला भी देखिए, इस पल्ले का साइज देखिए कितना बड़ा, ये फीमेल है मेरे हाथ में इमरान भाई, ये देखो आप, और दुम देखो आप, दुम कितनी बड़ी है, लंगोट से दुम ऊपर देखो कितनी, वापसी के मुकम्मल कबूतर रही है हर मौसम के अंदर। ये पंजे हैं, एक उंगली में इसकी को थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी ब्रीडिंग करती हुई है हर तरह से, हर लिहाज से जी। अब दिखाते हैं आपको इसकी बैठक जी, ये देखो जी, और तेजी देखिए आप कैसी एकदम तेज हुई वो, ये देख सकते हैं, और कबूतर चमक रहे हैं नए इंसान को देख के, क्योंकि जब एक ही को देखने की वो होती है तो नए इंसान जब दिखता है तो कैसे। अब आप बैठक देखिए आप, इनकी बैठक बिल्कुल परफेक्ट है जी, ना ज्यादा ओवर ना ज्यादा हल्की जी, क्योंकि ये बैठक बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए ताकि कबूतर उड़ सके। आजकल लोग खड़ान बढ़ाने के चक्कर में कबूतरों का नाश करते जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है, उड़ानी खत्म हो जाती है उनकी, सिर्फ दिखलौट रह जाते हैं वो कबूतर, बस फैंसी दिखाने के फैंसी कबूतर बन जाते हैं। और इमरान भाई ये देखें आपके सामने पेशे खिदमत कुछ नई आइटम, और ये डब वाली भाई जी एक फीमेल मंगवाई है जी, एक ही पसंद आई तो मैंने एक ही मंगवा ली फिलहाल के लिए अभी जी, और अब शौक करें इसकी आंख का पहले तो। ये देख सकते हैं दोस्तों आंख, डब वाले देखो दुनिया के पास होंगे, मैं नहीं कहता किसी के पास नहीं है जी, लेकिन इस कलर क्वालिटी के अंदर शायद मुझे लगता है बहुत मिनिमम रेयर मिलेंगे आपको, ये देखो
जी इसमें तेजी बहुत ज्यादा है, इन कबूतरों को तेज किया गया काफी ज्यादा। छोड़ के दिखाता हूँ, थोड़ा इधर आ जाएगा क्योंकि रुकेगी नहीं छोड़ते। ये देखो अब आप कबूतरी देखिए डब्बाली। तो भाई जी ये देखो अब इसकी स्टैंडिंग भी नॉर्मल है, ज्यादा ओवर नहीं है इसमें कुछ भी। तो अब लेके चलते हैं आपको दिलों की जान टेडी कबूतर। बिल्कुल, तो आपको टेडी दिखाए जा रहे हैं दोस्तों। टेडियों के बारे में क्या राय है आपकी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सीधे जाके चिपक चुके हैं वो डर के मारे। और भाई जी आप ये देखें मेरा ये ब्रीडर कबूतर है मेरे पास जी। मैं तो आप इसकी आंख का शौक करें, मेरे कबूतरों में आपको एक खासियत मिलेगी टेडियों के अंदर जी, लालपन दिख रहा होगा आपको हर कलर का। ये मेरे हर कबूतर में मिलेगा जी। और पीपल के बगल में अगर आप एक रिंग चेक करेंगे तो वो रिंग भी जरूर इसमें मिलेगा, जिसे सियानपन का रिंग भी कहते हैं, जो पीपल से फर्स्ट रिंग होता है जी। बाकी जमीन देखें आप, जरात देखें, हर चीज मुकम्मल है। आग में तरावट ले लो, आउटर रिंग ले लो जी, हर चीज वो मौजूद है जो होनी चाहिए। पलके काली, ये चीज देखें आप, पल्ला इसका ये देखिए दोस्तों, हाथ में देखिए क्या लग रहा है वो कबूतर। इमरान भाई देखो दुनिया ना ऐसे अंगूठे लगा लगा के दिखाती है वीडियो बना करके, ऐसे ये चेक करो, ये कबूतर की ओरिजिनल दुम है। और सबसे बड़ी बात अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो तो कबूतर मेरे हाथ के अंदर है ये, और ये मेल है, कंफर्टेबल नहीं है, और ये मेल है। और ये आप ये देखो साइज देखो इसका कितना कॉम्पैक्ट है बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप कॉम्पैक्ट साइज में बिल्कुल। ये पंजे हैं सर इसके, थोड़े से गंदे हो रहे हैं जी, वो तो बारिश बारिशों के चक्कर में। देखो हमारे यहाँ पे बारिश बहुत होती है, सुबह से होती है, अब लगा लो और अब गर्मी डबल हो गई है, गर्मी पसीने हो रहा है, हमारे पसीनों की बारिश हो रही है, कोई पसीना आ रहा है और मेरे को भी पसीना आ रहा है दोस्तों। चलिए छोड़ते हैं इसके जी। अब इसकी ये देखो बैठक, बैठक मेरे कबूतरों की नॉर्मल मिलेगी, स्टैंडिंग ओवरले नहीं मिलेगी मेरे किसी भी कबूतर की। दिखावा नहीं है, हमें चाहिए उड़ान जी। ये देखो आप, अब देखो अब जो स्टैंडिंग उसने दिखाई अपनी, और उसके परों में अगर आप वाइब्रेशन एक बार चेक कर सको, ये देखो एक जगह चेन से नहीं बैठा वो। ये देखो वाइब्रेशन चेक करो आप उसके परों में, जरा ज़ूम करो एक बारी और वाइब्रेशन चेक करो, क्या वाइब्रेशन उसके परों में इस समय हो रही है, जैसे करंट लग रहा होगा उसे। ये भाईजान इसके बच्चे हैं, दो सारी बच्चे कह रहा हूं, इसकी फीमेल है, फीमेल। ये चेक करो हल्की सिंदूरी पलकों के अंदर, थोड़ा बहुत हल्का सा पिंकिश शेड है पलकों में, बाकी आंखों के जर्रात वगैरह आप चेक करेंगे तो आपको हर चीज पूरा ब्रह्मांड इसमें दिखेगा जी। ये देखो बहुत बढ़िया, जो एक ब्रीडर के अंदर होनी चाहिए। और एक चीज और भी है, ये कबूतर हाथ में नहीं आता, कंफर्टेबल नहीं, ये बदतमीजी मानते हैं इस चीज को। और आप मेरे कबूतर जितने भी देखोगे ज्यादातर आप मेरे कबूतर साफ सुथरे देखोगे, क्योंकि मैं हाथ में पकड़ना पसंद भी नहीं करता है। और अभी सब कुरीद का सीजन चल रहा है तो कुरीद कुरीद में है दोस्तों। ये चेक कर लो, ये देख सकते हैं ये। और इसके बाद में अपना जो भाई जी फिलहाल अभी अपने पास एक रखा हुआ जोड़ और जी टेडी कबूतर। अच्छा एक चीज मैं आपको और ही बताऊंगा टेडी के अंदर, क्योंकि आजकल हर टैडी टैडी हो जाता है हर गल सिरा। अब इस टैडी पे जरा गौर फरमाएं आप एक बार, इसके बारे में बताएं। पहले आप इसकी आंखों के अंदर घुसें और देखें कि आप कुछ क्या इसमें समझ आ रहा है कि कुछ है खासियत इसमें, आपके लिहाज से कैसा है ये। हमारे हिसाब से तो कोई टेडी हमारे पास है नहीं। अच्छा तो हमारे लिए तो सिर्फ कबूतर ही है। जब हमारे पास आ जाएगा तो हम इसके देखो मैंने आपको बताया हल्का लालपन हर एक की आंख में दिखेगा, ऑरेंज पन जो रहता है हल्का, मतलब जमीन लाल हल्की सी दिखेगी, पीली पलक है साथ में जी। ये देखिए और सियानपन का रिंग देखो बनना शुरू हो गया, जबकि अभी ये 10 कली साफ बच्चा है, फर्स्ट ब्रीड करी इसने मेरे पास में। ये पल्ला है जी इसका, देख सकते हैं आप। अच्छा एक चीज और जी, टेडी के ऊपर
आपको हमेशा एक पर लाल जरूर मिलेगा, लाल आएगा। तो वही टैडी की मेन पहचान में से एक मुकम्मल होता है, क्योंकि मैंने ये चीज पाकिस्तान के बड़े बड़े जो उस्ताद हैं उनकी वीडियोस में सीखा है जी, कि एक पर लाल टैडी पे जरूर होगा, मैक्सिमम दो चार हो सकते हैं लेकिन एक तो रहेगा, एक रहेगा। तो ये लालपन ये टैडी की पहचान है। प्लस आपने मंगवाए कहां से डिपेंड वो भी करता है, देखो रिजल्ट बोलता है, मेन है रिजल्ट बोलता है। आप जब हम आगे देते हैं किसी को तो जब उसका रिजल्ट निकल के आता है तो खुशी तब आती है कि भाई हमने चीज सामने वाले को दी थी जी, और इसका रिजल्ट आया। ये नर है ना ये वाला जी, ये नर है। और इसके मादिन देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आप फैन हो जाए टैडी ब्रीड के। और आप बोले अमन भाई मेरे को भी टैडी बनाने हैं अब इसके मादिन को देख करके। ये कांटो वाली फीमेल में से है, कांटो वाले टैडियो में से जी। यहाँ देखे दोस्त इसकी जमीन हल्की सी लालपन मिलेगा। ये पर हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है जी। जी ये पर हो गए, ये दुम देख लो बिल्कुल एक पत्ती जिसे कहते हैं पंजे। फिलहाल अभी जामनी नहीं हुए क्योंकि अभी नई उम्र के बच्चे हैं ये, इनको जोड़े में डाला गया। और अब इसकी खड़ान चेक करो एक बार, ये देखिए आप क्या कह रहे हो अमन भाई, मैं भी पालूंगा। और ये भी मतलब चटक के दूर भग रहे हैं जी, मैं इनको नीचे करता ये देख सकते हैं। ये देखो जी अब बताओ देख करके ये कुछ लग रहा है, कांटे वाले की बात ही अलग है। नहीं खड़ान देखो आप पूरे पैर की, उस नर की भी देखो और इस फीमेल की भी देखो जी। ये देखें आप स्टैंडिंग अच्छी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि पीछे गिर जाएगी। हाँ कल ही तो एक बच्चा देख रहे थे पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस वाले बच्चे की वीडियो भी आप साथ में जरूर अटैच करें कि वो जो दुनिया बेच रही है आजकल टैडी के नाम पे, वो क्या सर्व कर रही है केटीएम टैडी। मैंने कहा कि ये गिरने वाला है, बस उड़ेगा थोड़ी गिर जाएगा, पीछे के पीछे ही है जी, लक्का कबूतर जैसा था वो बिल्कुल। तो ये देख रहे थे आप दोस्तों अमन प्रभाकर के टैडी कबूतर, तो कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टैडी भी है, इंडियन भी है, डब वाले भी है, बाकी कुछ बच्चे भी तैयार करें, मैं उनको छोड़ के शौक करा देता हूँ आपको। सारे अपन देखते हैं तो जैसे ही वो बड़े होंगे इमरान भाई तो फिर मैं वीडियो डालूंगा आपको, तो आप डालना अपने चैनल। बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए ये बच्चे तेजी से आए, ये बच्चे इसमें मतलब गजब की तेजी है इन बच्चों में जी। ये चेक करें आप, ये देखो मतलब गहरा स्पाइडरमैन बनूंगा पापा मैं बड़े होके जी। ये देखें आप ये रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये अगर ये गलती से भी बाहर छूट गए तो ये दिखा देंगे हमारी औकात क्या है। इसमें इमरान भाई कमग्गर भी है जी, टैडी के बच्चे भी हैं। ये देखो चेक करो आप, ये टैडी का बच्चा है, ये चेक करो आप तेजी देखो मतलब छूटते ही गायब हैं। और कुछ ये नए एक्सपेरिमेंट्स करे हैं तो इन एक्सपेरिमेंट जब ये कायम हो जाएंगे जी, जब ये बड़े होंगे तो उसके बाद फिर दिखाए जाएंगे कि क्या ये निकला जी। और एक बहुत खास एक्सपेरिमेंट आप भाइयों के लिए पूछना जरूर कि लगा कैसा है। बिल्कुल आप दिखाइए, ये लो सरकार काले कबूतर पालने की शौकीन सब लोग होते हैं, काले जाक जाक काले, उसमें किसी पे काले पंजे निकलते हैं नहीं निकलते, एक सेकेंड किसी पे काली चोंच होती है नहीं होती, यहाँ आंख भी काली है चोंच भी काली है बदन भी काला है पंजे भी काले हैं, सारे काले मेरे बाप के साले, सारे काले मेरे बाप के साले। अब आप ये बच्चे का शौक करें जी, ये बच्चा नया एक्सपेरिमेंट करा है भैया, ये झूठ नहीं बोलूंगा, ये देसी और पंजाबी कबूतर को बना के एक कबूतर निकला। अच्छा दोनों मिला के क्रॉस कराए तो काला बच्चा निकला है। ये देखो आप बैठक देखो बच्चे की जी, और इसके अंदर उड़ान भी यकीन मानिएगा, इसको सुबह 6 का उड़ाया हुआ 2:30-3 बजे तक उड़ा रखा है इस बच्चे, उड़ा रखा है जी, क्योंकि पंजाबी प्लस देसी जब मिला तो उड़ान भी बढ़ गई, खूबसूरती निखर गई, पंजाबी की खूबसूरती आ गई, उड़ान दोनों की मिल गई बिल्कुल। तो ये एक्सपेरिमेंट करा है जी। तो दोस्तों ये थे अमन भाई के कबूतर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसे लगे आपको ये सारे कबूतर, और जल्द ही मिलेंगे एक नया वीडियो लेके अमन भाई के साथ में, क्योंकि अभी मालवाई कबूतरों का शौक और करवाएंगे आप दोस्तों को बेहतरीन मालवाई कबूतरों का, लेकिन आज स्पेशल ये एपिसोड है टेडी कबूतरों के लिए, और टेडी कबूतर प्लस ये रामपुरी
कलपोटी कबूतरी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।